किमजोंग के नक्शे कदम पर कानपुर का बड़ा व्यापारी। सरकारी बैंकों का किमजोंग बना कोठारी। सरकारी बैंकों को किमजोंग की तरह लूटा। लोन लेने में भी विक्रम कोठारी की धोखाधड़ी। पेन कंपनी के नाम पर लोन, धंधा गेहूं निर्यात का। विदेश में फर्जी कंपनी बनाकर लूटा देश का पैसा। भारत समाचार के पास कोठारी का पूरा कारनामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अखाड़ा के स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले 40 अरब का लोन दे दिया हो या दे दिया जाए, और ये लोन भारत की बड़ी सरकारी बैंकों की तरफ से दिया गया हो। उद्योगपति का नाम है विक्रम कोठारी, जिसने भारत की जनता को लिखते लिखते प्यार करना सिखाया, जिसका असर बैंक के आला अफसर पर कुछ यूं हुआ कि देश के 40 अरब रुपए विक्रम कोठारी को दे दिए गए। इसी सरकार की एक योजना है मुद्रा योजना, जानते होंगे मुद्रा लोन, जिसके लिए आपको 13 वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो 13 वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपको लोन मिलेगा, तब कहीं जाकर लोन पास होता है। लेकिन विक्रम कोठारी के लिए यह नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए तो लूटो मैक स्कीम के तहत विक्रम को 40 अरब दे दिए गए, हिरासत में है। लेकिन देश के 40 अरब कहां है? अखाड़ा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पैसे आपके हैं। तो प्रॉपर्टी तो विक्रम कोठारी के पास 10 करोड़ की थी, लेकिन 40 अरब लोन के तौर पर क्यों दे दिए गए? कि ऐसा करिए कि 40 अरब ले लीजिए, कोई बात नहीं है, आप धंधा शुरू कीजिए, बाद में देखा जाएगा। कौन लोग थे मेहरबान विक्रम कोठारी पे? कौन मदद कर रहा था विक्रम कोठारी की? हिरासत में लेकर कोई एहसान थोड़ी किया गया है, हमें हमारे 40 अरब रुपए चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए पहले आप। बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले विक्रम कोठारी को लेकर भारत समाचार रोजाना नए नए खुलासे कर रहा है। हम कोठारी के हर पाप पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इसलिए विक्रम कोठारी को रोटो मैक नहीं बल्कि लूटो मैक कहा जा रहा है। विक्रम कोठारी को लेकर अब सबसे हैरान खुलासा हुआ है। भारत समाचार को पता चला है कि विक्रम कोठारी ने बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। आइए आपको महालूट को लेकर सबसे ताजा खुलासे के बारे में बताते हैं। कोठारी ने किया बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड। कोठारी की 10 करोड़ की संपत्ति पर 40 अरब का लोन। बैंकों ने आंख बंद कर कोठारी को लोन दिया। 10 करोड़ के कागजात पर 40 अरब का लोन कैसे? किन बैंक अफसरों की मिलीभगत से ये घपला हुआ? बैंकों ने कंसोर्टियम बनाकर लोन क्यों दिया? 7 बैंकों ने एक के बाद एक धड़ाधड़ लोन दिए। कोठारी और बैंक अफसरों में रिश्वतखोरी का शक। बैंक अफसरों ने बड़ी घूस खाई है। एनसीएलटी कानूनी दावपेच में बैंकों को उलझाया। कोठारी ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया। कोठारी ने सारा पैसा इधर उधर कर दिया है। कोठारी 40 अरब का लोन नहीं चुका सकता। इस खुलासे के बाद साफ है कि विक्रम कोठारी ने अकेले नहीं बल्कि बैंकों के बड़े अधिकारियों ने उसके साथ मिली भगत करके इस बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 40 अरब लोन लेने वाला विक्रम कोठारी कैसे लोन की रकम चुकता करेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आज अखाड़ा के स्टूडियो में हम बहस इसी मुद्दे पर करेंगे कि 10 करोड़ की संपत्ति थी और आपने 40 अरब दे दिए, ये मेहरबानी क्यों? अखाड़ा के स्टूडियो में तमाम खास मेहमान बड़े बड़े राजनीतिक दलों से इस वक्त जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दलों से यहाँ पर लोग आज जुड़े हुए हैं। हरीश चंद श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब क्या हो रहा है,
और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किसकी शय पे हो रहा है। कृष्णकांत पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले इन्हीं की सरकार थी, बहुत स्वाभाविक है। आपका भी बहुत स्वागत। जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे एसोसिएट एडिटर मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और थोड़ी ही देर में बैंकिंग एक्सपर्ट विवेक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आज शुरुआत जो सवाल से होगी वो एसोसिएट एडिटर मानस श्रीवास्तव से होगी, क्योंकि भारत समाचार की खबर का असर है, कड़ी मेहनत का ही असर है कि विक्रम कोठारी अभी का अपडेट ये है हिरासत में है, जिसने देश के 40 अरब रुपए मैं तो कहूँगा लूट लिए हैं। मानस जी ये क्या हो रहा है, मतलब संपत्ति इनके पास 10 करोड़ की है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि अगर आपको मुद्रा योजना के तहत लोन लेना हो तो आपको 13 वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना होता है, यहाँ पे इतनी मेहरबानी क्यों है इन पर? निश्चित तौर पर बगैर मिली भगत के इस तरीके का फ्रॉड नहीं हो सकता। जिस देश में 10-20 हज़ार रुपए के कर्ज के लिए किसान को खींच करके तहसीलों में बंद कर दिया जाता है, उस देश में एक दो नहीं कुल 6 बैंक, 6 के 6 वो सरकारी बैंक, बड़े सरकारी बैंक और बड़े सरकारी बैंक, और करोड़ों रुपए उनसे जो है लोन लिया गया, और वो निश्चित तौर पर बगैर मिली भगत के संभव नहीं है। लेकिन देखिए इसमें सबसे जो हैरत की बात यह है कि इतने वर्षों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और ये इस तरीके से जो सरकारी पैसा है, हमारा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको लूटते रहे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी आप नीरव मोदी वाला केस देख रहे हैं, उसमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अब चेतावनी दे रहे हैं कि अब तो वो 1 रुपये भी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। फ्रॉड के केस में कितनी सजा होती है, कोई भी आप एक्सपर्ट बैठा लेंगे बता देगा 7 साल तक अधिकतम सजा है, और उसके बाद अगर उसमें भी जो तमाम समय है पैसे वालों के लिए जेल में बड़े सुकून से गुजर जाते हैं। तो और जो सरकारें हैं, जो लोग भी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सिस्टम है जिनको इनको पनिश करना चाहिए, वो सब भी मिले हुए रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है जनता के पैसों को लूटता है। और अभी मैं तो एक दिन अभी एक खबर में पढ़ रहा था और मुझे बहुत हैरत थी, क्योंकि एक बार बहुत साल पहले मुझे याद है करीब साल 2001 में मैंने एक स्टोरी की थी जब बैंकों का निजीकरण हो रहा था। उस वक्त बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बताया था कि ये जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और ये जो बैंक जो सरकार ये कह रही है कि ये बैंक घाटे में है या फायदा, तो उन्होंने बताया कि देश के कितने बड़े उद्योगपति उस वक्त 40 हज़ार करोड़ रुपए का एनपीए था। अभी मैं पढ़ रहा था कि वो एनपीए बढ़ करके इतने सालों में 1 लाख करोड़ रुपए का हो गया। मतलब ये तो हैरत की बात है, ताजुब की बात। ये एनपीए बढ़ा कैसे देश के, हरिश्चंद्र जी ये एनपीए बढ़ा कैसे? और दूसरी बात, चोरी और सीना चोरी, नीरव मोदी के बयान आपने सुना होगा, और ये विक्रम कोठारी वाला क्या मामला है? राहुल जी देखिए कुल मामला ये है कि आपने, आपको इस बात का तथ्य आपको पता ही है कि ये जो चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो और चाहे ये विक्रम कोठारी का मामला हो, किस कार्यकाल के दौरान बैंकों ने इनको, बैंकें इन पे मेहरबान हुई, और जो कांग्रेस रेजिम का जो पूरा जो एनपीए है बैंकों का, जैसे 82% का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी माना जी 1 लाख करोड़ कह रहे थे, ये 8 लाख करोड़ का एनपीए है। हमारी सरकार आने के बाद, जैसा कि मोदी जी का बहुत, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए वो काम कर रहे हैं, ये जो एनपीए को उन्होंने देखा अपनी उस वक्तव्य में पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि हमने इसको, ये जब पूरी जानकारी आई तो उन्होंने इसलिए उद्घाटित नहीं किया कि इसका अर्थव्यवस्था पे बाकी चीज़ों बहुत बुरा असर पड़ेगा, और जब इसको इन सारे रिस्क से ऊपर उबार कर ले गए उसके बाद उन्होंने उद्घाटित किया कि कांग्रेस के कार्यकाल का जो एनपीए है वो 82% था बैंक। सरकार ने एक कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया, और उसमें ये जो एनपीए थे इनको, जो कंपनियां उनको 3 कैटेगरी बनाई गई। एक जो जिन कंपनियों, मतलब हरीश जी आप काम कर रहे हैं ये कांग्रेस की रिजी में सब कुछ हुआ है। हाँ, जो पूरी बात आ जाने दीजिए। हाँ, उनको 3 कैटेगरी में लोन को बांटा गया। एक तो 2000 करोड़ से ऊपर जिन्होंने लोन लिए थे, जिनके एनपीए हुए थे, ठीक है। एक 2000 करोड़ से 500 करोड़ से लेके 2000 करोड़ के बीच के, एक 500 करोड़ से नीचे के। जिन लोगों की एनपीए 2000 करोड़ से ऊपर के थे उनको सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया कि 6 महीने के अंदर आप ये पैसा वापस कीजिए बैंकों को। और एक जो टाइम पैसे वापस आया क्या, उसी का नतीजा है कि आज ये जो घोटालेबाज हैं, ये जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जिन जो जेल जा रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, ये 40 अरब हमारे अकाउंट में वापस आएंगे। नहीं, अब ये तो देखिए सरकार का पूरा प्रयास है कि ये पैसा रिकवर करे, और सितंबर 18 तक
सरकार ने लक्ष्य रखा है इन कंपनियों से 1,00,000 करोड़ रुपया रिकवर करने का सितंबर 18 तक ना। हाँ ठीक तो है, ये जो आज जो सरकार है केंद्र में माननीय मोदी जी की, उसका नतीजा है कि ये जितने घोटालेबाज हैं जो बैंकों का पैसा और आम देश के आम आदमी का पैसा अपनी तिजोरियों में भर लेते थे और ऐसो इस तरह के फ्रॉड को वो ठीक है इस तरह के फ्रॉड को शह आपने दी है कृष्णकांत पांडे जी, उनको पकड़ने का जेल में बंद करने का काम हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की पार्टी कर रही है। आपके बगल में बैठे हैं वो डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है जरा। आप बड़े हाँ बिल बताइए बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े घोटाले 4 साल अभी पूरे भी नहीं हुए शुरू हो रहे हैं, इसके बाद भी ये लोग कैसे बेशर्मी से बात कर रहे हैं। इन लोग कम से कम देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अभी नीरव मोदी के बयान, इनके ये जो भागने और न भागने का क्रम बता रहा हूँ, सत्यम वाला राजू चाहे सहारा श्री सुब्रत राय रहे हो, आसाराम बापू रहे हो, तेलगी रहे हो, हर्षद मेहता रहे हो, हिलेन दलाल रहे हो, किसी को हमने देश से भागने नहीं दिया। कर सुनिए, सुन लीजिए। अरे आपने तो एंडरसन को मुख्यमंत्री लेके हवाई अड्डे सुन लीजिए आप, अरे आपका कांधार पकड़ कर राज्यों को छोड़ देने गए हैं। कांग्रेस ने क्या क्या किया यार, चिल्लाने से देश नहीं कम हो जाता है, चिल्लाने से आपका घोटाला नहीं बच जाएगा। 58,000 करोड़ का घोटाला टूजी चिल्लाते 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 आप लोग सरकार के पाप के बाद सरकार के पाप उजागर हो रहे हैं, घोटाले बाद जेल जा रहे हैं। मैं राहुल जी केवल ये इसमें तो अभी बड़ी बड़ी हस्तियां, ये पहला राउंड है। हरीश जी अखाड़ा का रूल्स है, एक मिनट मैं अखाड़ा का रूल्स ये है कि जिसकी बारी होती है पहले राउंड में बोलता है। आपको हरीश जी ने डिस्टर्ब नहीं किया, कृष्णकांत जी ने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ तो ये पहले राउंड का नियम ही यही अखाड़े का कि सब अपनी बारी में बोलते हैं। इंडियन गोल्ड क्वाइन एंड गोल्ड रिलेटेड स्कीम के लॉन्च के अवसर पर प्रधानमंत्री जी मेहुल को हमारे मेहुल भाई कह रहे हैं। ए इनका घोटालेबाजों से रिश्ता हमारे मोदी जी का है। दूसरे रविशंकर प्रसाद इनको कहते हैं जेंटलमैन चौकसी, ये इनका घोटालेबाजों से रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 जनवरी को देश छोड़ के भागता है, 23 जनवरी को कौन नाम लीजिए उसका नीरव मोदी, और 23 जनवरी को दाओस में सम्मेलन होता है और प्रधानमंत्री की मीटिंग में वो आदमी रहता है। अरुण जेटली 2016 में 100 प्रतिनिधियों मंडल को लेकर 100 लोगों को जाते हैं विदेश में, और 2016 में ही हरिप्रसाद ने जो गीतांजलि ज्वेलर्स का वो भी एक वो लिया हुआ उनका फ्रेंचाइजी, वह उस पीएमओ को लिखता है कि नहीं इस तरह की स्थिति और इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, इसके बाद उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। रघुराजन जी अपने मैं एक एक चीज का आपको बता दूं, फरवरी 2017 में 42 FIR दर्ज हुई मेहर चौकसी के ऊपर, जुलाई 2017 में पीएमओ को पुनः जानकारी। ये किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। 2017 जुलाई को पीएमओ को पुनः जानकारी दी जा रही है, दिसंबर 2017 को नीरव मोदी मेहुल चौकसी जिस पर FIR दर्ज है वह पीएम के साथ बैठक में जाते हैं। 1 जनवरी 2018 नीरव मोदी मेहुल चौकसी फरार होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ दाओस में कौन कौन गया यह पीएमओ से पूछा गया, पीएमओ ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। जवाब चाहिए सीबीआई के, सुन लीजिए जरा। सीबीआई FIR दर्ज करती है, हमारी बात गलत हो सकती है, सीबीआई ने FIR दर्ज में FIR की कॉपी मेरे पास है, जय FIR सीबीआई की दर्ज है, डेट वाइज उसने क्या मेंशन किया क्या बात है सारी कॉपी मेरे पास है। 9 फरवरी 2017 से 14 जनवरी 2018 तक के इनके लोन है। यदि उस समय कोई भी व्यक्ति सड़क छाप भी बता दे कांग्रेस की सरकार थी कि यह भ्रष्टाचारी मोदी की सरकार थी, केवल कांग्रेस और देश की जनता यह जानना चाहती है। हरीश जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन जगदेव जी सवाल मेरा आपसे, हरीश जी इसका जवाब तैयार रखिए। जगदेव जी ये क्या हो रहा है, दोनों पार्टियां लड़ रही हूं, करें उनके शासनकाल में हुआ, वो करें उनके शासनकाल में हुआ, जरा क्लियर कीजिए, बताइए ये सब क्या हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिला रहता है, जो आए 40 अरब लेके चले गए। मैंने शुरू में ही कह दिया, इंट्रो में ही कह दिया कि 5 लाख का लोन होगा तो 13 वेरिफिकेशन और 40 अरब ऐसे लेके चले गए। सर देखिए राहुल जी, जब चुनाव हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर मीटिंगों में कहा UPA घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार, जबकि UPA में जिन्होंने घोटाले की उनको या तो जेल भेजा, कार्रवाई की, निकाले गए
और आज जो स्थिति है, जितने घोटाले के घोटालेबाज सब इनको भगाए जा रहे हैं, सजा मिल रहा है, और ज्यादातर घोटालेबाज सब मोदी संबंधित हैं और सब गुजरात के हैं, विक्रम कोठारी भी गुजरात के ही हैं। इनको सारे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा, और मोदी जी सिर्फ कोरी बाभाई लूटने के लिए जो फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं। आंतरिक स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकाल में जितनी ज़्यादा लूट हुई है, खसोट हुई है, और अधिकारी बैंक इसके अंडर में है, जो लोन देने वाले बैंक इसके अंडर में, केंद्र सरकार के अंदर है, और बिना बैंक की सहमति, बिना अधिकारियों की सहमति से, मिली भगत से इतना लोन हो सकता है क्या? और लोन कब के ये दिखवा लिया जाए? तो मैं कह रहा हूँ ये घोटाले अब लगातार उजागर हो रहे हैं और एक्सपोज हो गए हैं, ये केंद्र सरकार हमारी और ख़ासतौर से हमारे मोदी जो लगातार हर मीटिंग में बड़ी लंबी बाहें करके कहते हैं साहब ये घोटालों सरकार, इनके कोई घोटाला नहीं, लगातार घोटाले हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ लगा जो हालात इस समय हैं, भ्रष्टाचार आपने देखा नहीं, जगदेव जी क्या कह रहे हैं, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जगदेव जी डंके की चोट पे क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट है, और ये क्या आंकड़े दिखा रहे थे, कृष्णकांत पांडे जी क्या आंकड़े दिखा रहे थे, चार में आगे है, ठीक है जगदेव जी, आ रहा है कमाई पैसा सर, आ रहा हूँ, और बीजेपी के लोग पूंजीपतियों के साथ उठाने काम करते हैं, उनको पोषण करने काम करते हैं, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई, कितने हजार गुना बढ़ गए उनके बेटे के, उसकी जांच नहीं हो रही है। सर ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे जगदेव जी और कृष्णकांत पांडे जी, तो कागज लेके आपको दिखा रहे हैं कि ये सारे हमारे समय में कोई भागा नहीं, आपके समय में सब विदेश भाग गए, राहुल भगाए जा रहे हैं, संरक्षण दिया जा रहा है। राहुल जी पहली बात तो ये कि बैंकों के रिकॉर्ड कोई ऐसे है नहीं कि जो कोई उसको बदल करके दूसरा बना देगा। बैंकों के रिकॉर्ड आप देख लीजिए, ये लोन किसके हुए, चिदंबरम साहब ने किसके उस पर अनुमति दी बैंकों को, और ये कंसोर्टियम किसके उसमें जो कोठारी की कब ये लोन हुआ। और दूसरी बात कि जो FIR दर्ज हुई, जो जो कार्रवाई हुई वो मोदी जी के सरकार में हुई। तीसरी बात जो हमारे जगदेव जी कह रहे हैं, इनकी पार्टी के नीरव मोदी और लोगों संबंध ही अपने यहाँ जरा तहकीकात कर ले, और ये सारा का सारा घोटाला सब आपके पार्टी के लोग हैं, काल का है, विक्रम कोठारी आपके पार्टी पेपर है, ये पेपर संबंध है, ये जो घोटालेबाज की यूपीए की सरकार थी उसके सब घोटाले उजागर हो रहे हैं, और एक भी घोटाला साबित नहीं कर सकी है। और राहुल जी सुनिए, इन्होंने कहा है कि कार्यवाही मोदी जी की सरकार में होगी, नीरव मोदी का भी घोटाला इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जाहिर हुआ, ये नहीं बता पाए, इनको सूचना दी जाती रही, ये नहीं बता रहे हैं लोग, राहुल गांधी के क्या नरेंद्र मोदी चलिए राहुल गांधी के राहुल गांधी के क्या संबंध है, गुजरात के क्या संबंध है, ये के पांडे जी बतावे, कागज फर्जी जो फर्जी कागज लेकर के आप झूठ रहे, ये फर्जी देश जानता है, सीबीआई की FIR देश जानता है, जिसे कह रहे फर्जी उसके कर्मों का परिणाम है 8 लाख करोड़ का NPA और बैंकों का 58,000 करोड़ के राफेल डील के घोटाला को केवल बाईपास करने के लिए अभी तो ये घोटाले शुरू किए गए हैं, ये भी घोटाले मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये जो घोटाला कहता हूँ इस घोटाला को बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में कार्रवाई मुंह बंद हो गया जो है। चलिए सरकार दफ्तर बनाने पापों पर डालने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, भगा देंगे गुजरात के लोगों से लगातार खाए जा रहे हैं, विरोध होता कार्रवाई होती है, मोदी तो जाने नहीं पाए 2016 में मोदी के यहाँ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी और कृष्णकांत पांडे जी, जगदेव जी 50 गुना भ्रष्टाचार, आप लोगों की आवाज दब रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट के डायरेक्टर का बयान, एक मिनट विवेक शुक्ला जी से भी जानेंगे, उद्योग को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विवेक शुक्ला जी, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूँ, मैंने इसका जिक्र भी किया कि अगर 5 लाख का लोन चाहिए, अगर एक आप आम आदमी हैं, आपको 13 से 14 वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, मतलब इन्हें कैसे 40 अरब मिल गया, इनकी संपत्ति तो 10 करोड़ की थी,
इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए ये पैसा तो हमारा है ना, ये पैसा तो देश का है ना, इसी पैसे से सड़क बन सकती थी, गरीबों के लिए आवास बन सकता था, शौचालय बन सकता था, ये पैसा विक्रम कोठारी के पास चला। राहुल जी ये कैसे? राहुल जी अगर किसी इंडिविजुअल को लोन चाहिए तो इंडिविजुअल को देखा जाता है कि वो अपने घर में इस्तेमाल करेगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लोन चाहिए तो उससे उसको देखा जाता है कि वो पूरे देश का विकास करेगा, 200 कर्मचारी काम करेंगे, 500 कर्मचारी काम करेंगे, डायरेक्ट लेबर जॉब मिलेगा, लेबर जॉब और इनडायरेक्ट मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लोन जल्दी दिया जाता है। मैंने एक बार विक्रम कोठारी का संबोधन सुना था, स्टेशनरी एग्जीबिशन कानपुर में हुई थी, उन्होंने लास्ट में बोला था जय हिंद जय भारत, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जय हिंद जय भारत को अर्थ इनका ये होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को अगर लोन दिया जाए तो पहले उसकी निजी संपत्ति के पेपर रख लिए जाए। तो निजी संपत्ति तो 10 करोड़ की थी और 40 अरब दे दिया गया, ये कैसे हुआ जरा ये भी बताइए। 10 करोड़ की अगर उनकी निजी संपत्ति है तो वो पहली बात वो घर छोड़ के नहीं भाग सकते, क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं रहेगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति है वो निकाल नहीं सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति कोई नहीं निकाल सकता जब तक उसमें 4 या 5 लोग साइन ना करें। ठीक है, तो और जो इस टाइप के घोटाले हो रहे हैं इनकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, एक ने किया, दो ने किया, तीन ने किया, क्या कर लेगी भारत सरकार, पकड़ तो सकती नहीं है। उद्योगपति को लोन कैसे मिल जाता है सर, किस क्या प्रोसेस किया? आप लोग चूंकि इसी फील्ड में काम करते, पीएचडी चैंबर से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो कैसे कोई उद्योगपति जाता तो कैसे उसको लोन मिल जाता है? छोटा सा उद्योगपति स्टार्टअप करता है, फिर वर्किंग कैपिटल बढ़ाता है, फिर उसको कहता है कि सर हम अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब्सिडी कंपनी बनाता है, इसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन 4-5 जगह अपने अकाउंट खुलाता है, एक ही बैलेंस शीट को 5 जगह प्रेजेंट करके लोन बढ़वाता चला जाता है, और बैंकों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि वो लोन दें। किस तरह का प्रेशर होता है? इस तरह का प्रेशर होता है कि उनकी इनकम सिर्फ लोन से आती है, रेवेन्यू उनका कहाँ से आता है, पहले समझिए कि बैंक का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, जब तक वो लोन नहीं देंगे, महाजन नहीं बनेंगे, रकम कहाँ से आएगी? रेवेन्यू जनरेशन का सिर्फ है कि अगर जब तक वो लोन डिपॉजिट पे नुकसान होता है, करंट अकाउंट पे इनको सर्विस का चार्ज नहीं मिलता है, तो उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? लोन दे लोन दे लोन दे। चिदंबरम जी ने लिख के चिट्ठी बोल दी कि दुबे जी ने बोला था कि हम लोन नहीं देना चाहते, लेकिन चिदंबरम जी ने कोई चिट्ठी लिखी? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कराया? जब इसमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब मालूम पड़ रहा है कि 1000 करोड़ का डॉलर्स पर देखेंगे तो ये इतना सारा रुपया लेकर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और जाकर ऐश कहीं बिना काम के रहना चाहते हैं। चिदंबरम जी ने कब चिट्ठी लिखी थी, किस मामले की बात जिक्र कर रहे हैं? नीरव मोदी केस में कर रहे हैं। क्या चिट्ठी लिखी थी, क्या जानकारी? चिट्ठी की उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा था कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, आप लोन नहीं कर रहे हैं और उनको हटा दीजिए, दुबे जी को हटा दिया गया था। तो ये नीरव मोदी का लोन किस कार्यकाल में? कांग्रेस से? कांग्रेस में पुराना लोन है, बैंक रिकॉर्ड देखे ना, कंपनी का भी स्टार्ट हुई सब। और दोनों लोन कांग्रेस का, नीरव मोदी का लोन कब का है? नीरव मोदी का लोन से कंपनी का नहीं है, कि अब मैं बता रहा हूँ, उसकी कंपनी बनने के बाद नहीं, लोन लिया होगा दिया होगा, लेकिन जो सुन ली, नहीं नहीं नहीं, चिदंबरम ने चिट्ठी नहीं लिखी, मैं यह पूरा का पूरा लोन, बड़ी मिली भगत, ये देख लीजिए, नहीं पूरा का पूरा एफआईआर में दर्ज है 9 फरवरी 2017 से 14 जनवरी 2018 के बीच। ये किसका रिकॉर्ड है? ये 11,335 करोड़ का जो लोन है नीरव मोदी का, यह इस दौरान का लोन है जिसमें 2016 मैं बता रहा हूँ, 2016 के बाद सुन लीजिए, यह चुकता नहीं किया गया है, चेक एंड बैलेंस सरकार की जिम्मेदारी थी, और सुनिए बैंकिंग विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी इसके बाद लोग रंजन जी क्या कहते हैं कि अब बड़ा मामला नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि हालात काबू में ना हो, ऐसे मामले होते रहते हैं, ये अभी 4 दिन पहले लोग रंजन जी का बयान है। 29 जनवरी 2018 को बैंक ने CBI से शिकायत की है, 1 जनवरी 2018 को भारत से वो भाग रहे हैं, 23 जनवरी को प्रधानमंत्री के साथ दावोस में देखे जा रहे हैं, 26 जुलाई 2016 को पूरा धोखाधड़ी। पांडे जी क्या कह रहे हैं? हरिशन जी बार बार क्या कह रहे हैं? बोर्ड ऑफ कागज कागज लेकर कांग्रेस अपने कुछ पाप को और छुपाने के लिए, पाप पे पर्दा डालने के लिए इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। चिदंबरम ने क्यों चिट्ठी लिखी? चिदंबरम ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। चिदंबरम स्थिति ये है, ये अगर सुन लिए, जो जिस सरकार की सरकार होगी वो अपने कार्यकाल में काम करेगी, लेकिन अगर पिछले अच्छा ही बताइए 2019 तक इनकी सरकार है, अब 2019 तक इनकी सरकार है, ये लोन बांट रहे हैं, ये लोन बांट रहे हैं, अगर 2019 में हमारी सरकार आ गई तो क्या हम इसको नहीं करेंगे? एक काम छोड़ देंगे, एक मिनट हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, कृष्णकांत पांडे जी, एक मिनट सर, सर सर का उदाहरण भारतीय जनता सर सर एक मिनट सुन लीजिए, कार्यकाल में मैं जान रहा हूँ, ये गुस्सा हर भारतीय, और इन्होंने काम ठीक है सर,
ललित मोदी, कृष्णकांत पांडे जी, मोदी, केतन मेहता, मुकुल चौकसी, जय, मैं समझ रहा हूँ काम नरेंद्र मोदी। कृष्णकांत पांडे जी देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, नहीं नहीं मैं हरीशचंद्र जी एक मिनट, एक भगा ये पहाड़ा पड़े यूपीए के पाप छिपने वाले नहीं, हमने तो यूपीए के घोटाले छुपने वाले दिया, यही फांसी दी है के घोटाले। ठीक है कृष्णकांत जी, यूपीए के घोटाले एक के बाद एक बेपर्दा हो रहे हैं और जो घोटालेबाज है वो सब जेल जा रहे हैं। कांग्रेस की घबराहट यही है, मेरा खुला चैलेंज भारत की घबराहट यही है। एक उदाहरण दे दे कि कांग्रेस के शासन काल में कोई एक घोटाले उदाहरण सामने गया हो, उदाहरण सामने है, भगाने का काम करते हैं, उदाहरण सामने है। होश में जाके नीरव मोदी से 800 करोड़ का अपना हिस्सा लेते हैं जिससे इनके दफ्तर का पेमेंट होता है, या जाके अपना शेयर लेते हैं जाके। नहीं तो आपका कहना ये कि जो नीरव मोदी का, देखिए मेरी दो बातें हैं जी, नीरव मोदी का जो भी लोन, राहुल गांधी से बात कर लीजिए पांडे जी, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हमारे शासन काल में 2019 के बाद जेल जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से। चलिए कृष्णकांत पांडे जी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी एक मिनट, और जगदेव जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे ये पैसा हमारा है और हमें मिलना चाहिए। और आप सभी जितनी भी पार्टियां हैं ना, देश की पार्टियां हैं, आप देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कीजिए और 40 अरब बैंक के खाते में आए। वेलकम बैक, अखाड़े के दूसरे राउंड में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो कितना शोर हो रहा है, शोर क्यों हो रहा है, ऑफ रिकॉर्ड भी, चूंकि मानने को तैयार नहीं है कृष्णकांत पांडे जी। एक मिनट सर, कृष्णकांत पांडे जी और हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत निवेदन है मेरा, ये देश का पैसा है सर और आप दोनों लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, अब ये 40 अरब आएगा कैसे, क्या करेंगे, चूंकि ये टैगलाइन थी, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं। हरीशचंद्र जी, राहुल जी, आप देखिए उसी लाइन पे ये जितने घोटालेबाज हैं जेल जा रहे हैं, और सरकार का ही ये प्रयास है कि ये जितना यूपीए कार्यकाल में एनपीए हुआ बैंकों का पैसा, उसको वसूल करके भारत की जनता की तिजोरी में डाला जाए, और उसी का नतीजा है कि जगह जगह जो मुखौटा कंपनियां बना करके लोग काम कर रहे थे, उन मुखौटा कंपनियों की भी जो फ्रॉड हैं वो उजागर हुए हैं। ये तो दो मामले हैं जिसमें ये लोग जेल जा रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई हैं, लेकिन अनेक जो मुखौटा कंपनी बना करके लोग फर्जी फ्रॉड कर रहे थे, ऐसी कंपनियां समाप्त की गई, सरकार ने किया और उनके खिलाफ ईडी किया और उनकी जांच चल रही है। अच्छा हरी जी, आपने जो आप ये नहीं चाहते कि ये जो 40 अरब है वापस आए, तमाम योजनाओं में लगे, उत्तर प्रदेश की, देश की तमाम योजनाओं में, अच्छा नहीं लगेगा, सड़कें और बेहतर हो जाए, उसी के लिए तो सरकार काम कर रही है मोदी जी, ये चाहेंगे पैसा वापस आए, उसी के लिए तो सरकार काम कर रही, उसी के लिए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया कि इन पे सब लोगों पे शिकंजा कस करके और कानूनी शिकंजा कस करके और पैसा ये बैंकों में वापस आवे, वो उसी का परिणाम है। कृष्णकांत जी, क्या वाकई काम इस ओर हो रहा है? राहुल जी, यह एनपीए कम करने की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई देश के लिए, आप भी देश की पार्टी है, कोई विदेश से तो आए नहीं है, तीनों लोग देश की, आप भी देश की पार्टी, अच्छा ही सोचेंगे। मुद्रा योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका जिक्र किया, भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, 39 लाख खाते एनपीए हो गए, मुद्रा योजना जो बेरोजगारों को देने वाली थी, ठीक 1 जनवरी 2018 को वो भागते हैं आदरणीय नीरव मोदी जी, इनके नीरव मोदी आदरणीय हमारे लिए तो घोटालेबाज, 26 जुलाई 2016 पूरे धोखाधड़ी की जानकारी, आन पेपर में बोल रहा हूं, सारे पेपर है मेरे पास, अभी हमारे बड़े भाई कह देंगे कि फर्जी पेपर है, ये तो अभी कह भी देंगे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी नहीं थे, थोड़ी देर बाद कह देंगे, बेहतर होगा अपनी बात रखिए कृष्णकांत जी, 26 जुलाई 2016 को पूरे धोखाधड़ी की जानकारी पीएमओ को दी जाती है, एलओयू
जो एलएयू कहा जाता है, इसको आप बढ़िया बताएंगे, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या जो भी होता है आप अच्छा बताएंगे, 2017-18 में यह जारी किया जाता है, काउंटर गारंटी है जो अभी वो आप जानेंगे। और मैं बता दूं जरा सा कि यह कब जारी किए गए। सीबीआई के मुताबिक नीरव मोदी का ही बिजनेस, यह जो अगर एक सवाल और है, क्या पिछली सरकार में जो लोग लोन लिए होंगे, जो लोग बाई दवे जमा नहीं कर पाया, उनकी नियत खराब होगी, मैं एक बड़े उसमें पार्टी से थोड़ा ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी चार साल में नहीं है कि उसे चेक करेंगे, क्या आप उसे भगाएंगे, क्या विदेश में दाओस में उसके साथ गोपनीय समझौता करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, या आपकी सरकार है, आपकी सरकार में जो लोग लोन देंगे, कल आने वाले दिन में किसी और की सरकार होगी तो क्या वो सरकार भगा देगी लोगों को? पैसा तो देश का है ना, मेरी सरकार में दिया गया, आपकी सरकार में दिया गया, मामला ये नहीं है किस सरकार में वो आखिर मेरी, मैं यूपीए सरकार की गारंटी लेता हूं, एक केस कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई बता दें कि एक कोई देश से भागा हो, आतंकवादी, उग्रवादी, घोटालेबाज, हमने पारदर्शिता के आधार पर जेल भेजा। और सुनिए, नोटबंदी के बाद यह पैसा लेकर भागने से यह एक सोच, यह जितने लोग नोटबंदी के बाद यह पैसा लेकर भागने की एक सोच इस देश में विकसित हुई, यह आप लोगों ने विकसित कराया उस सोच। जैसे कोठारी का मामला है, अगर मीडिया, और मुझे चैनल पे कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, जरा भी संकोच नहीं है कि भारत समाचार विशेष रूप से, आप लोगों ने जिस तरह से कोठारी वाला मामला उठाया, नहीं तो यह कोठारी भी अब तक मोदी जी के सानिध्य को प्राप्त हो चुका होता और हम लोग यहां बैठ के तसला बजा रहे होते। लेकिन यह मीडिया की देन है, विशेषकर भारत समाचार की देन है कि आज वो अंडर कस्टडी है, थैंक यू भारत समाचार। दूसरी चीज, 26 जुलाई 2016 को जब पीएमओ को हरिप्रसाद जानकारी देते हैं, इसके बाद यह मामला कौन उजागर करता है? कोई बीजेपी का मंत्री, नेता, बैंक इंप्लाई कतई नहीं। इंडियन एक्सप्रेस अपने मुताबिक, वो भी मीडिया का ही रोल होता है, उजागर करता है। 31 जनवरी 2018 को जो एफआईआर दर्ज है, 9 से 14 जनवरी 2017 के बीच 8 LAU जारी हुए हैं, मैंडेट वाइज 8 LAU जारी हुए हैं जो 280 करोड़ की लागत के हैं। 15 फरवरी 2018 को दूसरी एफआईआर होती जिसमें बताया गया है कि 143 LAU जारी किए गए जो 4,887 रुपए के थे, वो भी 17 के। तीसरी में सुन लीजिए, 16 फरवरी की बात है, 650 6,665 करोड़ 16, 17, 18 में जारी किए थर्ड राउंड में हमारी कहां सरकार थी। थर्ड राउंड में आ रहा हूं आपका जगदेव जी, ये सवाल बड़ा सीधा सा है, ये राजनीतिक संरक्षण क्या इस तरह के लोगों को मिलता है? क्योंकि कृष्णकांत पांडे जी जो बात बता रहे हैं, जरा वो समझाइए, क्लियर कीजिए, और वो तो आप पर भी संगीन आरोप लगा के चले गए, ये क्या राजनीतिक संरक्षण इस तरह के लोगों को मिलता है? देखिए, हमारे जो कार्यकाल रहा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव ने पूरा विकास किया उत्तर प्रदेश का, और एक शानदार जानदार मुख्यमंत्री साबित हुए, आज भी विपक्षी भी उनकी तारीफ करते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मोदी जी रहे, ये बड़ी ताल ठोकते थे कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, और दूसरा ये भूल गए थे कि भाई इनके घर जो अपने घर को देखेंगे, दूसरे के घर पे कीचड़ नहीं उछलना चाहिए। लगातार घोटालों के बात की, यूपीए सरकार जब यूपीए सरकार की घोटाले हो रहे क्या, तो कार्रवाई की नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है, जो पिछले मामले हैं जब आप सत्ता में आए हैं तो आप जांच कराइए, कार्रवाई करिए उनपे, और ये जनता का पैसा वसूलिए। अभी आपने नोटबंदी करके तो दिन में डकैती डाल करके सारी बेचारी माँ बहनों का भी पैसा आपने जमा करा लिया, और सारा पैसा गया कहाँ? ये सारा पैसा बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी के यहाँ चला गया, और इनको जो ये कैसे कह सकते हैं ऑफिस जगदेव जी, कैसे कह सकते हैं आप ये रिकॉर्ड है? कैसे इनको पैसा दिया जा रहा? आज मैं कह रहा हूँ, आज जो लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि यहाँ का जो ये मामले हैं उत्तर प्रदेश का, एक किसी बड़े परिवार को दिया जा रहा है, लीकर का मामला है, और वो जिले वाइज बांट रहे हैं, और वो सौदेबाजी कर रहे हैं कौन लोग में, ये अच्छा, विवेक शुक्ला जी मैं आपसे समझ रहा हूं कि आप पैसा आया कहां से, विवेक शुक्ला जी कौन देता है बाकी, ये भी तो जांच होनी चाहिए। ठीक है विवेक शुक्ला जी, क्या ये भी रूल से होता है क्या, ज्यादा पूंजीपति की अगर पिछली सरकार में लोन दिया गया था तो अगली सरकार नहीं वसूलेगी? पार्टी सरकार कार्रवाई करना चाहिए विवेक शुक्ला जी। सर पार्टी को और बिजनेस कंपनी को अलग रखिए, किसी भी पार्टी का बिजनेस कंपनी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक्सपर्टाइज है, एनसीएलटी बन गया है,
चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको भी लोन लेना है वो बैंक के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए, उसकी बैलेंस शीट देख के लोन लिया जाता है, फिर वो बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है। बैलेंस शीट इनकी तो देखी नहीं गई, बैलेंस शीट क्यों नहीं देखी जा रही है? विक्रम कोठारी की 40 अरब कैसे दे दिए गए सर? नहीं, ये बैलेंस शीट क्यों नहीं देखी जा रही है? गलती बैंकिंग इनहाउस की तरफ से हो रही है, बैंकिंग इनहाउस की तरफ से हो रही है। अच्छा ये बताइए, जब बैलेंस शीट नहीं देखी जा रही तो गलती किसकी है फिर, कौन गलती कर रहा है? बैंक अफसर, बैंक ऑफिसर्स क्यों ठीक से चेक कर रहे हैं? अच्छा, किसी पर दबाव होता है तो वो रिपोर्ट, अगर उन्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है, मान लीजिए हमारे पास ये पुख्ता खबर है, अगर उन्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वो नियम कानून को ताक पर रखकर उनको लोन दे सकते हैं ज्यादा, ऐसा कर सकते हैं वो? हाँ, उनके पास ये राइट होते हैं कुछ हद तक, अगर आपका संबंध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है और मिनिस्ट्री तक पहुंच गए तो फिर वो सारे रूल्स एक तरफ हो जाते हैं। किस मिनिस्ट्री तक? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, मतलब उस बैंक अफसर का जो ताल्लुकात अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक होगा तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब जितना बना है उतना दे, आउट ऑफ वे। अच्छा जरा समझाइए विवेक जी, मैं समझना चाहूंगा, हमारा टॉपिक यही है कि इसके पास संपत्ति 10 करोड़ की थी, विक्रम कोठारी के पास 40 अरब, क्या लोन हो सकता है, इसको दिया सकता है? सर लोन प्रोजेक्ट पे दिया गया है, प्रोजेक्ट पे दिया गया, प्रोजेक्ट पे दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट पे कैसे दिया गया, मतलब कुछ तो गिरवी रखा होगा ना, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो कैसे, मतलब उसको लेंगे वो बैंक कैसे लेगी, जो सरकारी बैंक है कैसे वसूलेंगी वो? सर कंपनी डाइल्यूशन में जाएगी, जितनी रिकवरी हो सकती है उतनी रिकवरी होगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा, और जो ये वर्किंग कैपिटल इंडिया से बाहर जा रही है, जो उन्होंने घोटाला किया, उसको कन्वर्ट किया, विदेश में जमा किया, उस कंट्री की वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये बताइए, ये तो पेन बनाता था लेकिन गेहूं निर्यात का इसने खेल दिखाया, मतलब बाहर पैसे ले गया, बाहर पैसे उसके बाद अपने कंपनी में डाला, ये कैसे हो रहा था? अरे पान मसाला बनाता था। हाँ, उसके पिता बनाते थे, पिता पान मसाला वाले हैं, उनके पिता कोठारी प्रोडक्ट्स पान मसाला। तो ये कैसे, मतलब दूसरे, मतलब इससे बाहर धंधा दिखाया, शेल कंपनी बना के, ना उन्होंने एक्सपोर्ट किया ना उन्होंने इम्पोर्ट किया, सिर्फ पेपर पे बनाया, पेपर आ गया, मटेरियल नहीं कहीं गया। अच्छा, हाँ, सिर्फ शेल कंपनी बनाकर। तो इससे देश का क्या फायदा हुआ? देश का फायदा हुआ कि विक्रम कोठारी का फायदा हुआ? विक्रम कोठारी ने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए फॉरेन के अकाउंट में, उस कंट्री की वर्किंग कैपिटल बढ़ गई जिस कंट्री में उन्होंने पैसा डाला। और जब बाहर की जितने भी फॉरेन कंपनी है वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ की वर्किंग कैपिटल बने, देश का पैसा बाहर आए। अच्छा, वो रिच होती जा रही हैं, जितना भी कहते हैं शेल कंपनी, जितना भी देश का वर्किंग कैपिटल बाहर जा रहा है उनका वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, हमारे देश का वर्किंग कैपिटल घट रहा है। तो इसमें महाराज जी कोई ठोस नीति नहीं होनी चाहिए सर इस बारे में? मैं आपसे समझ, कोई एजेंसी है चेक करने के लिए? निश्चित तौर पे कोई ना कोई ठोस एजेंसी है चेक करने के लिए, लेकिन जब आपको सहमति हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो एजेंसी जो तो कैसे हो गया, मतलब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बाहर से क्या कहते हैं, फोटो पेपर मलेशिया से इम्पोर्ट होता है, आपकी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में सेटिंग है तो फोटो पेपर के बजाय लिख देंगे रफ पेपर इम्पोर्ट हो रहा है, तो रफ पेपर में टैक्स 0 लग रहा है और फोटो पेपर आके इंडिया में बिक रहा है। तो अगर महाराज जी ठोस नीति होती तो क्या ये सब, जब आपकी सेटिंग हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी तो सब आउट ऑफ वे हो जाएगा। ओके, आ रहा हूँ सर। ये नीरव मोदी के बाद विक्रम कोठारी, पैसे तो हमारे जा रहे हैं ना, देश के पैसे जा रहे हैं। तौर पर देखिए, इसमें तो बिल्कुल एजेंसियों को उसमें जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि जिसमें आम लोगों को जानकारी नहीं होती, इसीलिए आम लोगों तक ये मसले आते भी नहीं है, क्योंकि टेक्निकल मामला होता है। अब जैसे कि अभी विवेक जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही कि संपत्ति किसी की थोड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या पेश कर रहा है बैंक के सामने, उस प्रोजेक्ट पर लोन हो रहा है, मान लीजिए उसने प्रोजेक्ट 100 करोड़ का पेश किया और उसकी बैंक में सेटिंग है या ऊपर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है तो उनको लोन मिल जा रहा है 100 करोड़ के प्रोजेक्ट पर, धीरे धीरे उनको पैसा मिल रहा है, वो पैसा दूसरी दूसरी कंपनी में जा रहा है। जनता जाना, ये पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? बिना देखे तो अगर साहब ना हो रहा होता तो बहुत हैरत की बात है कि 2001 में जो लाइजनर है, दलाल है, सरकार में नहीं रहे, किस सरकार में नहीं रहे, ये तो इस देश को लूटने का तो ठेका ले रखा सियासी पार्टियों ने। एक गिराना शुरू करेंगे तो सारे कार्यकाल का खोलते खोलते यहाँ पर रात हो जाएगी, कहीं 2-4 दिन गुजर जाए। सबसे बड़ी बात ये आपको ये देखना चाहिए कि 2001 में देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों का तब हिस्सेदारी नहीं बेची गई थी, अगर आपको याद होगा। ये शेयर जो बाद में पब्लिक इक्विटी तो बाद में आई है 2001 के बाद, जब बैंकों ने अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करने शुरू किए, उससे पहले 40,000 करोड़ का था NPA। आज अभी हरीश जी, मेरे तो पास तो 1 लाख जानकारी थी, अब तो 8 लाख हो गया। तो सवाल इस बात का है कि 17 सालों में ये कैसे इतना बड़ा आंकड़ा हो गया कि 40,000 करोड़ से लेकर के 8 लाख करोड़ तक आप पहुंच गए, यानी आपने बांटा रेवड़ियों की तरीके से, और हर साल सरकार इसमें शामिल है।
ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला कहिए, एक तरीके का संगठित अपराध हो रहा है। इन लोगों को संरक्षण क्यों दिया जाता है, ऐसे लोगों को क्या मतलब? जगदेव जी जिक्र कर रहे थे, इनसे बात हो रही थी, आप रिकॉर्ड कर रहे थे कि पार्टियों को चंदा उंदा वाली बात भी कह रहे थे, कुछ बता रहे थे, इनको संरक्षण क्यों दिया जाता है? विक्रम कोठारी, नीरव मोदी, ये वजह क्या है? इनसे किसी पार्टी का क्या फायदा? ये जबान नहीं खोलते हैं, ये जो है बहुत भारी मात्रा में चुनाव के लिए सभी के लिए पार्टी लिया जाता है। और ये बीजेपी तो पूंजीपतियों की पार्टी बता रहे थे कि एनसीईआरटी बनाया इसी की जांच के लिए, और चुनाव में होता है, इनको पैसा देते हैं कैंडिडेट को, कांग्रेस आता है। हुआ ओके, कांग्रेस आज अपने को बहुत दुला वो बता रही है, वो दूध से नहाए हुए हैं, नहाए हैं और चुनौती दे रहे थे। इनसे पूछिए कि एंडरसन गोपाल गैस प्लास्टिक कांड का मालिक फिर वही एंडरसन को आपने कैसे भगाया, आप बताइए ना, सबसे बड़ी कांग्रेस है देश का, हाथ जोड़ रहा है कांग्रेस के देश बचा लीजिए, हमें बड़ी लड़ाई लड़नी, मोदी जी की सरकार तो दूसरों को कार्रवाई करने भेज रही है, इस देश को आप इसको का पर्दाफाश कार्रवाई करिए, क्यों भगा जो आज लोगों को आप बार बार कार्रवाई करिए, पैसा सुनिए, मोदी जनता की गाड़ी कराई का पैसा मत भगा, ये सरकार तो लुटेरों को बड़े बड़े लोगों बात किया, गरीब आदमी गरीब इसको भेजे, आम आदमी बचाने भागे, इसको आपने भेजा जी बता दीजिए, किस तरह का लग रहा है, कहां से लग रहा है, जो भेजा ना हमने भेजा, सवाल सारा संस्कृति को भेजा तो हमने भेजा, जनता से वादे करते हैं कि हमने हर्षद मेहता को जवाब दीजिए, आप किसको भेजे, आप जवाब दे, आप ललित क्या कर दिया आपने, विजय माल्या गुजरात, नीरव मोदी गुजरात, विशाल मोदी गुजरात, केतन मेहता गुजरात, मेहुल चौकसी सारे गुजरात के बड़े बताइए, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा एक मिनट, कृष्णकांत जी भगाया जा रहा है, कृष्णकांत जी जगदेव जी जा रहा है, खुली कृष्णकांत जी जगदेव जी सर 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 हो रही है, एक मिनट देश को भगा कर एक मिनट पैसा निर्माण करने काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, असली चेहरा जनता के सामने कृष्णकांत जी सरकार कृष्णकांत जी अभी बाकी है, कृष्णकांत जी जगदेव जी एक मिनट सारे घोटाले राज्यों के जनक, चलिए कृष्णकांत जी मैं आपकी बात समझ गया, जरा ये बताइए, अब देखिए सवाल तो बहुत है हरीश जी, अब इन सवालों का जवाब ना तो कृष्णकांत जी बोलेंगे ना तो जगदेव जी बोलेंगे, अब ये 22 करोड़ को इनके सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार आप पर आरोप लगाए चले जा रहे हैं अखाड़ा के स्टूडियो इनके, और सारी बात रिकॉर्ड है, इनके ये क्या कह रहे हैं ये जरा बताइए आप, ये राहुल जी इनके सारे आरोप जो हैं वो फर्जी हैं, कैसे मतलब डंके की चोट पे कागज के बारे में बता रहे हैं, कागज इनके सब फर्जी हैं, कांग्रेस की घोटालेबाजी की संस्कृति रही और इनके अपने अपने कार्यकाल में इन्होंने जो घोटाला करवाया, नहीं तो इन्होंने एक चीज एक चीज अरे तो कैसे चले कैसे गए, आज भगाया जा रहे हैं, मीडिया को मीडिया की सराहना होनी चाहिए और कम से कम भारत समाज ने आज उजागर कर दिया, नहीं आप ये भी कर दिया, और मैं भुगतान ध्यान रखा, थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जगदेव जी, हरीश चंद जी और कृष्णकांत पांडे जी और विवेक शुक्ला जी और हमारे एसोसिएट एडिटर मानस श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बहस में आने के लिए, अखाड़ा के स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन सवाल का अभी भी जो सवाल है वैसे ही है कि 10 करोड़ की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर 40 अरब दिए कैसे गए, ठोस नीति क्यों नहीं है, क्यों दे दिए जाते हैं, क्यों जनता के पैसे इन उद्योगपतियों के पास चले जाते हैं, इसका जवाब चाहिए, जवाब देना होगा। फिलहाल ब्रेक के बाद 6:36।